मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई से ऑनलाइन ठगी का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां आरोपी फेसबुक पर लड़कियों के नाम से फेक आईडी बनाता था और उस पर खूबसूरत लड़कियों के फोटो लगाकर लड़कों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था और उन्हें अपना शिकार बनाता था। ये पूरा मामला मुंबई के कांदिवली का है। पुलिस की गिरफ्त में आया ये आरोपी, जिसका नाम है हामिद सलीम शेख, जिसकी उम्र 28 वर्ष है, फेक लड़कियों के आईडी फेसबुक पर बनाता था और हॉस्पिटल में नौकरी देने के बहाने इन्हें बुलाता था और फॉर्म भरने के दौरान इन्हें लड़कों को चकमा देकर उनका मोबाइल फ़ोन लेकर ये फरार हो जाता था। इसी तरह से आरोपी हामिद सलीम शेख ने रोमेशा सिद्दीकी के नाम से फेसबुक पर एक फेक अकाउंट बनाया था और इसने एक लड़के को अपने जाल में फंसाया। हॉस्पिटल में नौकरी देने के नाम पर इस लड़के को भी बुलाया और उसका मोबाइल फ़ोन फॉर्म भरने के दौरान लेकर फरार हो गया। इस लड़के ने कांदिवली पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने बड़ी ही गहनता से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की और आरोपी हामिद सलीम शेख को गिरफ्तार कर लिया है। 24 तारीख को हमारे पास एक आरोपी, हमने जो मोबाइल का नंबर मिला था वो मोबाइल के नंबर से और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से तहकीकात करके एक आरोपी का अटैक किया है। उसका नाम है हामिद सलीम शेख, 28 साल का है और ये लोगों को ये अपना फेसबुक पे फेक आईडी बनाता था। उसने रोमेशा सिद्दीकी करके फेसबुक में फेक अकाउंट बनाया और वो अकाउंट से फिर वो लोगों को रिक्वेस्ट भेजा। जो रिक्वेस्ट भेजने के बाद यदि इसमें से जो फिरियाद है उन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद वो जॉब ऑफर उसने दिया था। वो जॉब के लिए उन्होंने कॉल किया, व्हाट्सअप दोस्ती बढ़ाया और 8 तारीख को उन्होंने जॉब के लिए मेरे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब है करके उनको कुपर हॉस्पिटल में बुलाया। तो ये मीरा रोड में रहने वाला पार्टी था, उन्होंने बोला कि हम कुपर में लंबा हो जाता है तो हमको नज़दीक ही, इसलिए शताब्दी हॉस्पिटल में 9 तारीख को बुलाया। वो कार से आया, गेट हॉस्पिटल के गेट के सामने मिला और बाद में चला गया। और 10 तारीख को उसने 11 बजे इधर बुलाया और वो 12 बजे से 1 बजे के दरमियान इधर आके उनको दोनों को हॉस्पिटल में लेके जाके उनको बोला कि तुम इधर तुम्हारे मोबाइल नंबर दे दो, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और वो मोबाइल लेके पहले माले पे गया और फिर बाद में आया, उनको बोला कि तुम चलो होटल में चाय पीते, होटल में चाय पीने के लिए गया और उनको दोनों को बिठा के मोबाइल में बात करते करते निकल गया और दोनों के 15,000 के 2 मोबाइल लेके गायब हो गया। तो ये कंप्लेंट आने के बाद रजिस्टर करके हमने तहकीकात करने के बाद इसको अरेस्ट कर दिया है।